कुंडलनी जागरण की साधना में क्या कुछ लोग पागल भी हो सकते हैं? कुंडलनी जागरण एक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसमें रीढ़ के आधार पर स्थित ऊर्जा को जागृत किया जाता है। कुंडलनी एक सुप्त सर्प जैसी दिव्य ऊर्जा है जो आपकी रीढ़ के आधार यानी मूलाधार चक्र पर कुंडली मारकर बैठी है। ऐसा कहा जाता है जब यह ऊर्जा जागृत होती है तो यह आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ प्रमुख सात चक्र भेजते हुए आपके सिर के शीर्ष तक पहुंचती है, जहां सहस्त्रार चक्र मौजूद है। यह कुंडलनी शक्ति का शिव के साथ मिलन है। आजकल अध्यात्म जगत में लोग कुंडलनी जागरण की ओर बहुत आकर्षित हो रहे हैं। कुंडलनी जागरण को लेकर लोगों में रुचि इसलिए है क्योंकि लोगों को लगता है कि इसके जागृत होते ही उनमें सुपर नेचुरल पावर आ जाएगी, वे अत्यंत शक्तिशाली हो जाएंगे। इसके बाद उन्हें कुछ भी हासिल करने में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी क्योंकि उनकी चेतना और क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। कई प्रोफेशनल योग संस्थाओं में भी इससे जुड़े अद्भुत लाभ बताए जाते हैं, जिन्हें जानकर लोगों को लगता है कि उन्हें भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अगर आप कुछ आर्टिकल्स या पुस्तकें पढ़कर आप अपने आप या किसी प्रोफेशनल योग संस्थान में इसके बारे में सुनकर इसे जागृत करना चाहते हैं या जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये और भी खतरनाक बात है, खासकर तब जब आप किसी एक्सपर्ट की अनुपस्थिति में इसे कर रहे हैं। शायद आप नहीं जानते कि कुंडलनी जागरण किसी साधारण इंसान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। यह आपके जीवन को पूरी तरह से बाधित भी कर सकता है। कुंडलनी जागरण किसी भी इंसान के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर को प्रभावित करता है। कुंडलनी जागरण साधक के जीवन का एक अत्यंत सुखद, आध्यात्मिक एवं महत्वपूर्ण अनुभव है। हालांकि अगर कुंडलनी का जागरण यदि आकस्मिक या अचानक समय से पहले या अनुचित अभ्यास से कृत्रिम साधनों का उपयोग करके उचित तैयारी के बिना गुरु या मार्गदर्शन के या शॉर्टकट आदि का प्रयोग करके किया जाता है तो साधक के लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। इस स्थिति में कुंडलनी ऊपर की ओर जाने की बजाय हमेशा पीछे की ओर गिरती है या गंभीर रूप से अवरुद्ध चक्र का सामना करने से कई शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आपदाएं हो सकती हैं जो हिंसक, खतरनाक और अवांछित हैं। कुंडलनी योग झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर की तरह एक सफाई उपकरण है। इससे जुड़ी क्रिया तीनों शरीरों, भौतिक, सूक्ष्म और कारण को साफ करती है। भौतिक शरीर में रोग होते हैं और अन्य सूक्ष्म शरीरों में पिछले जन्म के कर्म और संस्कार होते हैं जिन्हें शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। कुंडलनी जागरण के साथ साथ आपके अचेतन मस्तिष्क, नाड़ियों, चक्रों, सुषुम्ना नाड़ी, पंचकोश का भी जागरण और परिशोधन होता है, जिससे इनमें उपस्थित दमित या नकारात्मक भाव साधक के व्यवहार में अभिव्यक्ति पा सकते हैं और समाज के अनुसार उसका व्यवहार विक्षिप्त हो सकता है। कुंडलनी जागरण की प्रथम सीढ़ी है ईड़ा और पिंगला नाड़ियों की शुद्धि, दूसरी सीढ़ी है चक्रों का जागरण, तीसरी सीढ़ी है सुषुम्ना का जागरण, चौथी सीढ़ी है कुंडलनी जागरण। अक्सर इस क्रम का सही से पालन नहीं करने से कुंडलनी जागरण कई शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकारों को जन्म दे सकता है। मानसिक बीमारी को एक ऐसी स्वास्थ्य स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति की सोच, भावनाओं या व्यवहार या तीनों को बदल देती है और जिससे व्यक्ति को परेशानी होती है और काम करने में कठिनाई होती है, जैसे तनाव, अवसाद, नींद नहीं आना, भूलने की आदत, चिड़चिड़ाहट, बार बार मूड बदलना आदि। कुंडलनी शक्ति को जगाने के लिए प्राचीनतम ग्रंथों में अनेकों प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें हठ योग, ध्यान योग, राजयोग, मंत्र योग,
तथा शक्तिपात, जड़ी बूटियों के प्रयोग आदि के द्वारा कुंडलनी शक्ति को जागृत करने के अनेकों प्रयोग मिलते हैं। पहला, अगर आपकी कुंडलनी अकस्मित या एक्सीडेंटल जग जाए, जैसे किसी की अचानक मृत्यु, मानसिक आघात, मृत्यु के करीब का अनुभव, अत्यधिक दर्द या अत्यधिक प्रेम, अकस्मित कुंडलनी जागरण का कारण बन सकता है। इसमें आपका शरीर, चक्र, नाड़ियाँ, सुषुम्ना नाड़ी आदि कुंडलनी जागरण के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। जैसे एक विद्युत की तार में हाई वोल्टेज करंट दौड़ने लगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसी प्रकार कुंडलनी की अचानक जागृति आपको विचलित कर सकती है और आप धारणा में आमूलचूल परिवर्तन और अचेतन मन के प्रगटीकरण का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। आध्यात्मिक जागृति की प्रक्रिया में शरीर में कई रुकावटें और अशुद्धियां साधक में विभिन्न न्यूरोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक और मानसिक लक्षण पैदा करते हैं, जैसे चिड़चिड़ा स्वभाव, अवसाद, चिंता विकार, सिज़ोफ्रेनिया, खाने के विकार और व्यसनी व्यवहार आदि भी शामिल होते हैं। दूसरा, यदि आपकी कुंडलनी पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण इस जन्म में जन्म से जागृत हो और इस जन्म में आपने इसके जागरण के लिए कोई भी प्रयास ना किया हो, तो संभव है कि इस जन्म में यदि आपका शरीर या मस्तिष्क इतने मजबूत ना हो कि इस असीम शक्ति को संभाल सके, तो संभव है कि आप बचपन से ही ऑटिस्टिक चाइल्ड हो, आपको डिसलेक्सिया हो, अक्सर आपको बचपन से मिर्गी के दौरे आते हो। इसमें अटेंशन डेफिशिट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD, बाइपोलर डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन और सिज़ोफ्रेनिया भी शामिल हो सकते हैं। तीसरा, यदि आपने शक्तिपात द्वारा कुंडलनी शक्ति जागृत की है और आपके गुरु या आपके मेंटोर ने आपकी नाड़ियाँ, सुषुम्ना नाड़ी, चक्र इत्यादि शुद्ध या जागृत ना करके केवल कुंडलनी शक्ति का जागरण कर दिया हो, तो भी आप गंभीर मानसिक विकारों से ग्रस्त हो सकते हैं। बिना सुषुम्ना नाड़ी के जागरण और शुद्धि के कुंडलनी शक्ति को जागृत करने से वह मूलाधार चक्र में अवरुद्ध होकर भयंकर काम वासना, अत्यधिक क्रोध, मनोविकार, अवसाद, अज्ञात भय पैदा कर सकती है। अक्सर इंटरनेट गुरु या प्रोफेशनल मार्गदर्शक आदि अपने पेड सेमिनारों में रेकी, प्राणिक ऊर्जा इत्यादि के प्रयोग से आपके कुछ चक्रों को सक्रिय कर देते हैं और आपको बोल देते हैं कि आपकी कुंडलनी जागृत हो गई है। अगर आपके सभी चक्र जागृत हो जाएं, तब भी इसका यह अर्थ नहीं है कि आपकी कुंडलनी शक्ति जागृत हो गई है। बिना नाड़ियों को शुद्ध किए और इड़ा पिंगला को संतुलित किए यदि चक्रों को जागृत किया जाए, तो मूलाधार और आज्ञा चक्र में अत्यधिक ऊर्जा का दबाव पैदा हो जाता है और उस ऊर्जा को अवरुद्ध नाड़ियों के माध्यम से आगे जाने का मार्ग नहीं मिलता, तो चक्रों में अधिक ऊर्जा होने के कारण अवसाद, चिंता, तनाव, मति भ्रम, काम मनोविकार आदि पैदा हो सकते हैं। चौथा, कुछ लोग प्राणायाम के माध्यम से कुंडलनी शक्ति जागृत करते हैं। कुंडलनी जागरण के लिए साधक पहले प्राणायाम करता है। प्राणायाम से मूलाधार चक्र सक्रिय होता है और मूलाधार चक्र जब सक्रिय होता है तो वह दूसरे स्वाधिष्ठान चक्र पर ऊर्जा भेजने लगता है। स्वाधिष्ठान चक्र भाव का चक्र है। हमने जो भी भीतर दबाया है वह स्वाधिष्ठान चक्र में भरा हुआ है। हमने हंसना, रोना, नाचना, क्रोध करना सब कुछ दबाया है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो शरीर में प्राण तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मूलाधार चक्र सक्रिय होता है और ऊर्जा दूसरे स्वाधिष्ठान चक्र को भेजने लगता है। ऊर्जा ऊपर जाके स्वाधिष्ठान चक्र से टकराने लगती है तो दमित आवेग बाहर आने लगते हैं, यानी रोना, हंसना, नाचना,
क्रोध करना इत्यादि जो हमने भीतर दबा लिया है वह हमारे शरीर में घटने लगता है, अर्थात स्वाधिष्ठान चक्र के भीतर प्रवेश करने की अपेक्षा ऊर्जा द्वार पर ही एकत्रित होने लगती है। प्राणायाम को एक अनुपात में किया जाता है, शरीर को जितने प्राण तत्वों की आवश्यकता है उसी के अनुरूप प्राणायाम किया जाता है। साधक बिना यह जाने कि शरीर को कितनी ऊर्जा की जरूरत है वह प्राणायाम ही करता रहता है और अपने शरीर में प्राण तत्व बढ़ाता रहता है। रोज रोज प्राणायाम करने से स्वाधिष्ठान चक्र पे ऊर्जा एकत्रित होती रहती है और एक दिन ऊर्जा की चोट से स्वाधिष्ठान चक्र का द्वार खुल जाता है और उसमें भरे सारे दमित आवेग इस जन्म के और पिछले जन्मों के टूट पड़ते हैं और कई मानसिक व्याधियां ऊपर आ जाती हैं। दूसरा कारण यह है कि अति प्राणायाम करने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे रात को नींद आनी बंद हो जाती है, क्योंकि नींद में जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसे कई गुना ज़्यादा ऑक्सीजन प्राणायाम द्वारा पहले ही भरी जा चुकी है, तो शरीर को नींद की ज़रूरत नहीं रह जाती है। और यदि 3 महीने तक नींद बाधित होती है तो अचेतन मन से संबंध टूट जाता है और साधक पागल जैसा व्यवहार करने लगता है। 5वां, कई लोग ध्यान द्वारा सातों चक्र और कुंडलनी शक्ति जागृत करते हैं। साधक शरीर के नीचे मूलाधार चक्र को जागृत करके इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे चक्र जागृत होते जाते हैं शरीर की प्राण ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। जब आपका सबसे आखिरी चक्र सहस्त्रार चक्र जागृत होता है तो आप इतने सक्षम हो जाते हैं कि आप ब्रह्मांड में उपस्थित अन्य ऊर्जाओं को भी ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। पहले तो आपके शरीर में ही ऊर्जा का प्रवाह बहुत अधिक है और अब तो आप बाहरी ऊर्जा को भी ग्रहण कर रहे हैं। आप अगर मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं हैं तो आप ना तो उस ऊर्जा को नियंत्रित कर पाएंगे जो आप ग्रहण कर रहे हैं और ना ही उस ऊर्जा का भार वहन कर पाएंगे जो आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। कई बार साधक आज्ञा चक्र पर आकर उलझ जाते हैं। ऐसा साधक शक्तिशाली होता है, अनेक प्रकार की शक्तियाँ सिद्धियाँ जब उसको मिलने लगती हैं तो वह अहंकारी होने लगता है। मैं इतना शक्तिशाली हूँ, लोग मुझे इतना मानते हैं, मैं यह कर सकता हूँ आदि आदि इस प्रकार के विचारों को पालना प्रारंभ कर देता है। अपने अहम में व व्यर्थ में दूसरों से टकराने लग जाता है। ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा 3 बातों में बिखरने लग जाती है। एक तो वह अनावश्यक अपने को बड़ा सिद्ध करने के चक्कर में दूसरों को नीचा दिखाने लगता है। दूसरे, कई बार उसके पास महिलाएं बड़ी संख्या में एकत्रित होने लगती हैं जिनमें वह रस लेने लग जाता है। यह पुनः उसको वासना के दलदल में खींच सकता है। तीसरे, कई बार वह बहुत क्रोधित हो जाता है, मान अपमान के चक्कर में जा फंसता है, छोटी छोटी बातों में लोगों का अहित करने लगता है। ध्यान द्वारा साधक अपने मस्तिष्क में अत्यधिक ऊर्जा एकत्रित कर लेता है, जिससे अवचेतन मस्तिष्क काफी तीव्रता से अपने इस जन्म और जन्मों जन्मों के दमित विचार बाहर निकालने लगता है। इससे साधक तनाव, अवसाद, चिंता, भय, हिंसा, क्रोध आदि मनोविकारों से ग्रसित हो सकता है। 6, कई साधक मंत्र या बीज मंत्रों के जाप से कुंडलनी शक्ति को जागृत करते हैं। प्रत्येक मंत्र या बीज मंत्र की ध्वनि की एक निश्चित वाइब्रेशन होती है जो एक निश्चित चक्र को जागृत और शुद्ध करती है। चक्र स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बीच पुल का काम करता है। बार बार एक ही मंत्र को दोहराने से एक निश्चित चक्र में जागरण होता है और उस चक्र से संबंधित मस्तिष्क का वह विशिष्ट भाग जागृत होता है।
जैसे राम मंत्र मणिपुर चक्र को जागृत करता है, राम का जप अंतर्मुखी अग्नि को प्रकट करता है जो सभी शारीरिक, मानसिक और कार्मिक दोषों को शुद्ध करता है, नकारात्मक कर्म, विचार और वृत्तियां नष्ट होने के लिए ऊपर सतह पर आने लगती हैं, जो साधक में कुछ समय के लिए मानसिक अस्थिरता, द्वंद, विकार आदि पैदा कर सकते हैं। मणिपुर चक्र में पिछले जन्मों के संस्कार स्टोर होते हैं जो मंत्र के जप से बाहर आने लगते हैं और साधक कुछ समय के लिए भ्रमित और अवसादित हो सकता है। सातवां, कुछ लोग भक्ति मार्ग से अपनी कुंडलनी शक्ति जागृत करते हैं। भक्ति मार्ग एक धार्मिक मार्ग है जिसमें भक्ति और देवता के प्रति श्रद्धा केंद्रित होती है। यह एक प्रकार का साधना मार्ग है जिसमें व्यक्ति अपनी भक्ति और समर्पण के माध्यम से दिव्यता की अनुभूति करता है। कुंडलनी शक्ति का जागरण उसके आंतरिक शक्ति को सक्रिय करता है जिससे व्यक्ति को स्वाधीनता, ज्ञान और आनंद की अनुभूति होती है। कुंडलनी योग में मुख्य रूप से भावनात्मक स्वभाव के साधक को अनेक प्रकार की आध्यात्मिक भावनाओं का सामना करना पड़ता है। इसमें हंसना, रोना, चीखना, भयावता, क्षणिक समाधि और आंशिक परमानंद की भावनाएं शामिल होती हैं। उसे देवी देवताओं, प्रकाश के दर्शनों का काल्पनिक भ्रम हो सकता है। साधक को लगता है कि वह उच्च शक्तियों को देख और उनसे वार्तालाप कर सकता है। ये भावनाएं साधक के मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को प्रभावित करती है और उसे आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करती है। हालांकि यह भी सत्य है कि इस प्रकार की आध्यात्मिक भावनाएं कभी कभार होती हैं और वे अस्थाई होती हैं, जो व्यक्ति के चरित्र को अस्थाई रूप से परिवर्तित नहीं करती। कई साधक इस प्रक्रिया में अवसाद, निराशा और विचारों की त्रासदी जैसी भावनाओं का सामना करते हैं। ये भावनाएं आध्यात्मिक उन्नति का सीधा अंग नहीं होती है, बल्कि इनमें से कुछ नकारात्मक सोच और भावनाएं भी हो सकती हैं। इसलिए साधकों को इन आध्यात्मिक अनुभवों को समझने और संतुलन बनाए रखने के लिए अपने गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। सही ज्ञान, संगठन और आध्यात्मिक अनुभव के माध्यम से साधक अपने आध्यात्मिक सफलता के मार्ग पर सुचारू रूप से अग्रसर हो सकता है। आठवां, कुछ लोग विशेष जड़ी बूटियों, औषधियों और नशीले पदार्थों का सेवन कर कुंडलनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं। इससे क्षणिक ट्रांस या आउट ऑफ बॉडी की भी अनुभूति हो सकती है। इनका सेवन करने से शरीर स्थिर हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है और तापमान गिर जाता है, जिसके कारण नर्वस सिस्टम के काम करने का तरीका बदल जाता है। इस प्रकार का इंस्टेंट जागरण अस्थाई होता है। अक्सर साधक का शरीर इस आकस्मिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाता और कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कई औषधियाँ केवल ईड़ा या केवल पिंगला को जगा देते हैं और कई औषधियाँ दोनों नाड़ियों को बंद भी कर देते हैं। इससे पागल खाने जाने की नौबत भी आ सकती है। जब शरीर षट कर्म और हठयोग के अभ्यास से पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, जब मन मंत्र से शुद्ध हो जाता है, जब प्राणायाम के अभ्यास से प्राणों को वश में कर लिया जाता है और आहार शुद्ध और योगिक होता है, उस समय जागृत होती है कुंडलनी। बिना किसी खतरे या दुर्घटना के कुंडलनी जागरण घटित होता है। लेकिन जो लोग कुंडलनी जागरण करने की जल्दी में होते हैं, जो बिना प्रारंभिक प्रक्रिया के अव्यवस्थित तरीके से कोई भी अभ्यास करते हैं और जो अपने आहार का ध्यान नहीं रखते हैं, उनके साथ कुछ समस्याएं होंगी, क्योंकि उन्हें उस असीम शक्ति के नियंत्रण और प्रयोग की विधि का ज्ञान नहीं है जिसे वे
जागृत करना चाहते हैं